हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट एजमेंट ऑर्डर को लेकर है, और इस वाले एजमेंट ऑर्डर में काफ़ी बड़ी रिलीफ दी गई है। ऐसे काफ़ी सारे नोटिसेज हैं जो कि इस वाले एजमेंट ऑर्डर के बेस पर नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो जब नोटिस इनवैलिड हो गए तो फिर उनके ऑर्डर्स भी यहाँ पर इनवैलिड हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा, जब भी आपके पास कोई नोटिस आए या कोई ऑर्डर पास हो तो आपको उसमें चेक करना है प्रोविजन्स, क्या जीएसटी के रूल्स, जीएसटी में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो पास किया गया नहीं किया गया। अगर नहीं हुआ है तो यानी कि वो ऑटोमेटिकली जो है नल एंड वॉइड माना जाएगा। ये वाला जजमेंट ऑर्डर अपने आप में काफ़ी बड़ा और यूनिक जजमेंट है। ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को और लोगों को भी यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, वो अकॉर्डेंस टू लो होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है एसएससी ने यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट आउट किया है और उसको यहाँ पर जो है रिलीफ दी यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर जो है क्या फैक्ट्स थे, क्या बेसिस थे जिसके केस में, जिस बेस पर यहाँ पर एसएससी के फेवर में ये डिसीजन आया है, उसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, एसएससी ने यहाँ पर रिट पिटीशन फाइल किया है। जब भी आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हो तो टाइम लिमिट के अंदर रेमेडीज अवेल करें। वो अगर आपको नोटिस का रिप्लाई भी करना है तो टाइम लिमिट के अंदर कर दें। कल को आप कहीं पर भी केस के अपील में जाएंगे, रिट पिटीशन एसएलपी फाइल करेंगे तो आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर इससे पहले काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड किया, अभी यहाँ पर रिसेंटली एक जजमेंट ऑर्डर आया था, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें क्या किया गया है, 17, 18, 18, 19 के जो केसेस थे सबको नल एंड वॉइड किया गया है, वो लास्ट डेट पर पास हो रखे थे। वैसे काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो कि लास्ट के 3-4 दिनों में पास हुए हैं, उनमें कोई फैक्ट कंसिडर नहीं हुआ। इसी तरीके से अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी सारे यहाँ पर जजमेंट ऑर्डर आए हुए हैं। मैंने हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई को भी यहाँ पर कवर किया है अपने यूट्यूब चैनल पर, किस तरीके से आप उनको रिप्लाई करेंगे, उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स लगेगी, उनके ड्राफ्ट्स क्या रहने वाले हैं, ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के लिंक में दिए गए हैं, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से हर टाइप के अपील के भी यहाँ पर ड्राफ्ट दिए गए हैं। चैनल के जो पर्पज है फुल एजुकेशनल है, इसलिए अपने अकॉर्डिंग उनको चेक करें, मॉडिफाई करें, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखें। अब यहाँ पर इस वाले एजमेंट ऑर्डर को फटाफट से एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी शॉर्ट में वीडियो रहने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे एसएससी का बेनिफिट हो जाएगा इससे। ये रिट पिटीशन एसएससी ने फाइल किया, ये एक ऑर्डर था जो कि यहाँ पर पास किया गया था पर्टिकुलर डेट में, फॉर्म जीएसटी TRC-01 में ऑर्डर आया था। सबसे बड़ी बात क्या है, इस वाले में 74 कवर है, तो 74 के जो जजमेंट ऑर्डर होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। 73 में केसेज ज़्यादा खुल रहे हैं, 74 में जो है आपके फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें लगाकर 74 कवर किया जाता है। 74 में केस आने का ये भी नुकसान होता है कि आपको 100% पेनल्टी देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये 74 वाला केस था, 74 के रिगार्डिंग भी जब आपके पास ऑर्डर आए जहाँ पर फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स वाले केस लगाकर आपको 100% पेनल्टी लगाई जाए, वहाँ भी आप इसको यूज कर पाएंगे। तो द सैड ऑर्डर स्टेज ऑन पेज नंबर 1 दैट इट इज द फैक्ट समरी ऑफ सोगोज नोटिस ऑन पेज नंबर 4 देयर इन पैरा डी देयर इज अ टेबल इंडिकेटिंग द टैक्स लायबिलिटी। तो ये समरी ऑफ सोगोज नोटिस है जो कि इनको पहले दिया गया था, समरी ऑफ सोगोज नोटिस के बेस पर ऑर्डर पास कर दिया गया। पूरा फैक्ट समझिएगा क्या है, देयर इज अ टेबल जिसमें एक टेबल थी जो कि टैक्स लायबिलिटी इंडिकेट कर रही थी, विच अपीयर्स टू हैव बीन ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द सेकंड रेस्पोंडेंट। ये कहते हैं कि ये डिपार्टमेंट ने जो है ऐसा देखने से लग रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने डिटरमाइंड कर दिया था। फिर अगर पहले आपने सोगोज नोटिस में, समरी ऑफ सोगोज नोटिस में लायबिलिटी को डिटरमाइंड कर दिया तो फिर ये कारण बताओ नोटिस कहाँ पर रहा। देर इज ऑल्सो ए डायरेक्शन इन द सैड पैरा टू द पिटीशनर टू पे द सैड लायबिलिटी। समरी ऑफ सोगोज नोटिस भेज रहे हैं डिपार्टमेंट वाले और फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जी आप इनको इसको पे भी कर दीजिए। भाई पहले सोगोज नोटिस आएगा, उसमें आपसे रीजन पूछा जाएगा कि जी ये डिफरेंस आ रहे हैं, आप इनका जवाब सबमिट करें। अगर आप जवाब नहीं देते हैं या आपका जवाब जो है वो प्रॉपर नहीं होता है तो उस केस में डिमांड आती है कि भाई आपके ऊपर ये लायबिलिटी क्यों ना लगा दी जाए। तो प्रोसेस है, यहाँ पर क्या है, समरी ऑफ सोगोज नोटिस भेजा गया तो यानी कि प्रॉपर ऑफिसर ने नोटिस बनाने में ही गलती कर दी, नोटिस भेजने में ही गलती कर दी। अब समझिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा कि जी डायरेक्शन भी दे दी कि आप इसको पे करें। नो डाउट दिस इज फॉलोड बाई ए सेंटेंस ऑन द सेम पेज दैट रिप्लाई और ऑब्जेक्शन इफ एनी सबमिटेड ऑन और बिफोर दिस फेलिंग विच डिमांड विल बी फाइनलाइज। और उसमें लिख दिया कि भाई अगर आपने इसको रिप्लाई को सबमिट नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो आपकी जो डिमांड है ये फाइनल मानी जाएगी। मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा जो जीएसटी के रूल्स हैं या जीएसटी के प्रोविजंस हैं उनको ही फॉलो नहीं किया जा रहा, अपनी मर्जी से यहाँ पर जो है सब चीज़ें चलाई जा रही हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं। जीएसटी एक्ट बनाया गया तो उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें चलनी चाहिए। अ पेटिशनर हैज देयरफॉर अप्रोच दिस कोर्ट कंटेंडिंग दैट देयर इज नो प्रायर सोगोज नोटिस एज मेंडेटेड इन सेक्शन 74। सेक्शन कोई भी हो, पहले सोगोज नोटिस तो जाएगा, सोगोज नोटिस गया ही नहीं है, समरी गई है। ऑफ हिमाचल प्रदेश जीएसटी एक्ट एंड द
इम्पंच ऑर्डर इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जब इम्पंच ऑर्डर है वो तो वायलेशन है ही, ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो कर रहा है। लर्न एडवोकेट जनरल कंटेंट दैट सेकंड रेस्पोंडेंट एक्चुअली इंटेंटेड टू इशू एंड सो कॉल्ड नोटिस। देखिए जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है उनकी ऐसी इंटेंशन थी कि वो भेजे, लेकिन एरनेसली मैंसन इन पैराडी उन्होंने जो है गलती कर दी। डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल उन्होंने खुद भी कहा है कि इन्होंने ये एरर कर दी है कि इन्होंने जो है लाइबिलिटी को डिटरमाइन कर दिया अलोंग विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल गलत है। तो को जो नोटिस आएगा अगर ऐसे ऐसी जब जवाब देगा नहीं देगा, उसके बाद उसको फर्दर डिटर्मिनेशन का जाता है बाद में कि आपकी डिमांड लाइबिलिटी इंटरेस्ट कन्फर्म हो जाएंगे, इसको आप इतने दिन के अंदर पे करिए। ही कंटेंडेड दैट द इम्पंच ऑर्डर डेटेड दिस इज टू बी ट्रीटेड एज नोटिस। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि सर जो इनका ये ऑर्डर पास हो रखा है आप इसी को ही यहाँ पर सो को जो नोटिस करा दीजिए और इनको अपॉर्चुनिटी देते हुए कि अपने रिप्लाई को सबमिट कर दें, डिपार्टमेंट उसके बाद रीजन ऑर्डर पास करे अकॉर्डिंग टू लॉ और एसएससी को कम्युनिकेट हो। तो ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन देखिएगा, अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ द सबमिशन ऑफ द लर्न एडवोकेट जनरल द इम्पंच ऑर्डर दिस इज सेट असाइड। अब यहाँ पर जो ऑर्डर था उसको तो सेट असाइड कर दिया गया, डिमांड ऑर्डर तो चलिए यहाँ पर जो है नल एंड वॉइड हो गया। द सेम इज डायरेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज सो कॉज नोटिस। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर था इसी को यहाँ पर जो है कहा गया है कि आप इसी को जो है यहाँ पर सो कॉज नोटिस मान लें। पेटिशनर को जो है यहाँ पर 4 वीक्स का टाइम दिया गया है, पेटिशनर इज ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम टू रिप्लाई द सेम ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉपी रिप्लाई ऑफ द पेटिशनर। जब पेटिशनर का रिप्लाई यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद पर्सनल हियरिंग ऑफर की जाएगी डिपार्टमेंट के द्वारा और एक रीजन ऑर्डर पास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी पास कर दिया जाएगा, रीजन ऑर्डर पास इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कम्युनिकेटेड टू द टैक्स पेयर। इसीलिए यहाँ पर इस रेट पेटिशन को इस तरीके से एसएससी के फेवर में किया गया है। तो आप भी अब इस टाइप की चीज़ें चेक करेंगे जब आप स्टडी करेंगे तो तब आपको ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट ऑर्डर जो है वो मैंने वन बाई वन जो है अपलोड किए हैं जैसे जैसे रिसेंटली जजमेंट्स आते हैं, और उनमें पॉइंट टू पॉइंट जो भी उसमें लैंग्वेज लिखी गई है, जिस तरीके से एसएससी ने क्या फाइट किया है, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सबमिशंस आए हैं, सब कुछ डिटेलली बताया गया है। तो आप यहाँ पर जब वीडियोज देखेंगे तो आपको उसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और अपने नोटिस के रिप्लाई ड्राफ्ट करने में भी आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चैनल पर जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए, इसलिए सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को आगे शेयर करें ताकि सभी को उनका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने